सड़क से स्वतंत्रता और सड़क से विधानसभा, यह है उत्तराखंड। और मैं बताऊंगा RRD माने रिंग रोड मीटिंग और रिंग रोड डिबेट के अंदर हमारे देखिए आम जनता और भारतीय जनता पार्टी। और आपकी संस्था का क्या नाम है? मैं विश्व हिंदू संस्था से और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। देख सकते हैं भारत के अंदर एक मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा हुआ है, बुर्का और नकाब। नहीं, ये सब हिजाब, ये मुद्दा नहीं, मुद्दा बनाया जा रहा है। इस तरीके से नहीं होता है। अगर जिस तरीके की ये कपड़ों की बात करते हैं, अगर हम कहें अगर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को या मुस्लिम समुदाय के आदमियों को यदि फोर्स या पुलिस में नौकरी दी जाएगी तो कल को ये वहाँ भी बुर्के पहनने की बात नहीं। स्कूल के अंदर बुर्का पहन के जाना है, स्कूल कॉलेजों में बुर्का पहन के जाना है, क्यों नहीं अलाउ करेंगे? उनके धर्म में लिखा है ये बात। नहीं, स्कूल के अंदर कोई बुर्का नहीं होता, स्कूल के अंदर स्कूल की ड्रेस होती है। और ये जो वो मानसिकता है, ये वो मानसिकता है जो गाय खाने वाली मानसिकता होती है। इनकी लोगों में कौन से खून चल रहे हैं? नहीं नहीं, प्रियंका वाड्रा ने कहा महिलाएं कुछ भी पहने, बिंगनी पहने या बुर्का पहने, आप कौन होते हैं बोलने वाले? प्रियंका वाड्रा की माँ का नाम क्या था आपको आप जानते हैं? आप प्रियंका वाड्रा की बात ना करिए, ये मानसिकता दूसरी है। मुझे उसका नाम क्या नाम था, क्या नाम था आप बोलिए बोलिए, क्या नाम था? आप क्या बोल रहे हैं? प्रियंका वाड्रा ने कहा था ये बात कि बिंगनी पहने या बुर्का, या आपको क्या आपत्ति है उसमें? प्रियंका वाड्रा की माँ का नाम क्या था मैं ये जानना चाहता हूँ। दूसरी बात, वो क्या करती थी? वो बारों में डांस करती थी। मानसिकता कई जो सोच है वो भारत के अंदर नहीं चल सकती, कहीं से कहीं तक नहीं चल सकती। क्या नाम था प्रियंका वाड्रा की माँ का? क्या 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 नाम था? एंथोनो माइनो उसकी माँ का नाम था। ये सब लोग जानते हैं, मैं मुझसे बोलना नहीं चाहता था। इन लोगों की मानसिकता की बात और इन लोगों की सोच और इन लोगों के नाम से मुझे खिन आती है जो भारत के संविधान को और भारत के हिंदुत्व को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये देखिए, वो प्रियंका वाड्रा ने सपा तपा कहा महिलाओं पर आप अन्याय नहीं कर सकते, और कॉलेजों में स्कूलों में आप क्या कॉलेज स्कूल में आप जो है इसको अलाउ कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। और महिलाओं के लिए मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा नाम है जो महिलाओं के लिए अगर सम्मान कहीं मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले मिला है। ये आप सब लोग जानते हैं, बुर्के के अंदर हलाला के अंदर हलाला जैसी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करी है, और उससे मुस्लिम महिलाएं कितनी खुश हैं ये आपको चुनाव में पता चला भी है। तलाक और हलाला। जी जी जी। अच्छा ये बताइए, मुस्लिम समुदाय में मुस्लिम धर्म के अंदर तो ये भी लिखा है कि भैया आपका खान पान अलग होगा तो कैंटीन भी अलग होनी चाहिए स्कूलों में कॉलेजों में। मेरी बात, जिसके पेट में गाय का दोस्त, जिसके पेट में गाय का गोश्त, भला वो किसी का कैसा दोस्त? ये हो ही नहीं सकता। मानसिकता का फर्क है। हम लोग हिंदू हैं, हिंदू नाग पंचमी के दिन सांप को दूध पिलाया करता है, ये मानसिकता की बात है। हिंदू नाग पंचमी के दिन सांप को दूध पिलाया करता है, और मुस्लिम दूध देने वाली गाय माता को काट कर छोक कर खा जाता है। ओ, देख सकते हैं जनता ने कहा कि भाई देखिए, हिंदू सांप को दूध पिलाता है और जो है मुस्लिम जो दूध देते हैं उसी को काट कर खा जाते हैं, हमारे भाई साहब ने ये कहा। अच्छा ये बताइए, उत्तराखंड की धरती पर आज अमित शाह जी आए हैं, क्या बोलना चाहेंगे उनको आज? अमित शाह जी आज उत्तराखंड की धरती पर आए हैं, वो हमारे सम्मानीय हैं, और मैं समझता हूँ, मैंने एक बार अभी कहा था कि आया वो देखो कौन आया, भारत माता का शेर आया। अमित शाह एक वो चीज है, सभी जनता, हिंदुस्तान की सभी जनता उनका सम्मान करती है, और वो यहाँ आए हैं अपील करने आए हैं माननीय मदन जी के लिए, और वो अपील करने करके जाएंगे। और मदन जी पहले से ज्यादा वोटों से विजयी, क्योंकि मदन जी चार बार के यहाँ के विधायक हैं। हरिद्वार की जनता उनको जी खोल के प्यार करती है। वो एक घर से मात्र विधायक नहीं है, एक घर के, मैंने देखा है कि वो घर के सदस्य जैसे हरिद्वार विधानसभा का पूरा परिवार, पूरे जो लोग हैं उनको अपने घर का सदस्य मानते हैं। और मदन जी बहुत भारी वोटों से जीते। नहीं, कितनी सीटें आ जाएगी 70 में? 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है, और उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भव्य सरकार बनने जा रही है। देख सकते हैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की भव्य सरकार बनने जा रही है। देखिए हमारे सामने बन तन के आए नेताजी, क्या बोलना चाहेंगे आप? व्यापारी भी हैं, नेता भी हैं, वरिष्ठ व्यापारी मंडल से देख सकते हैं, बोलिए नेताजी। 70 सीटें आएंगी तो बीजेपी की, ऐसा ये अकेले चुनाव लड़ रहे क्या? बोल रहे हैं कि 70 सीटें आएंगे। सही बोल रहे हैं कि 70 के 70 सीटों में ये सब गायब हो जाएगी। ये बोल रहे हैं सब गायब हो जाएगी, आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं, देखो बात सुनो, ख्वाब देखने का अधिकार सबको है, लोकतंत्र है, ख्वाब सबको देखने का अधिकार। तो ये ख्वाब है, ये ख्वाब है, क्यों?
मान्यवर यहाँ का दुकानदार कितना दुखी है जब ये हमारे अभी मकर संक्रांति गई या कोई भी स्नान गया यूपी के अंदर इलाहाबाद में लोग वहाँ गंगा स्नान कर रहे हैं, गढ़ में कर रहे हैं, शुक्र ताल में कर रहे हैं, गंगा सागर में कर रहे हैं, हरिद्वार में हर की पौड़ी में ऐसी क्या नौबत आ गई? क्या कोरोना वही घुसा हुआ था? सारे प्रतिबंध हरिद्वार में। अरे सुनो, अभी 2 साल पहले लॉकडाउन से पहले एक पुखराज ने जन याचिका डाली अतिक्रमण के खिलाफ, और अतिक्रमण कहाँ का था? चंडी घाट के पुल के नीचे बिलाके वाले का। अब उन्होंने क्या करा? शहरी विकास मंत्री ने किसी ज्योतिष ने उसको बता रखा है जितने तुम हरिद्वार में तोड़ फोड़ करोगे उतनी बार तुम MLA बनोगे। उन्होंने क्या करा? ये बोर्ड से दुकानदारों के ये छज्जा सिंधी का 16 फुट ऊपर ये भी तोड़ दिया। अब यही अरोड़ा जी है, इनके बोर्ड में 1.5 लाख रुपए खर्च हुए, हमारी छोटी सी दुकान में 50,000 खर्च हुए। तो ऐसा क्या शिकार शहरी विकास मंत्री था? वो क्या इन बोर्डों को नहीं रोक सकता था? बताओ जरा, आपके होटल का गेट बना जहाँ सा बाहर है उसमें भी JCB मशीन चला दी। देखिए क्या कितनी कंप्लेन है आपके विरुद्ध, कितनी कंप्लेन है, उसके बाद 70 सीटें मांग रहे हैं आप। सुनिए मेरी बात सुनिए, कोरोना काल में मैं मानता हूँ, ये कोरोना से पहले की बता रहे हैं, 2 साल से पहले। आप मेरी बात सुनिए, कोरोना काल के अंदर मैं मानता हूँ काम से फर्क पड़ा है। हरिद्वार के यदि समाज और काम और दुकानदार की अगर मजबूरी को देखा जाए वास्तव में फर्क पड़ा है, पढ़ना भी चाहिए। सब लोगों ने सहयोग दिया, फर्क क्यों पड़ा? दुकानदार ने जिम्मेदार व्यक्तियों के बात मानी और वो अपने घर में रहा। लेकिन इस सड़क का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहा? इस सड़क का सबसे बड़ा बेनिफिट रहा कि हरिद्वार के अंदर सबसे कम बीमारी, सबसे कम मौतें और सबसे कम व्यवस्थाएं बिगड़ी तो इसी वजह से कम बिगड़ी कि लोगों ने सहयोग दिया, सब कुछ हुआ। रही बात बिल्डिंग की, हमारे बड़े भाई साहब ने, हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने बात कही, ये भी बात सत्य है, लेकिन शायद इनको नॉलेज नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे और सुप्रीम कोर्ट किसी सरकार के। देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात कही, मैं पूछना चाहूंगा एक सवाल है, जब राम मंदिर की बात आती है तो हमने बनाया और जब ये टूटने की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, कहाँ तक सही है कहाँ तक उचित है ये बताइए। राम मंदिर हमारा, सुप्रीम कोर्ट इसका, ये कैसा चलेगा ये बताइए। मेरी बात सुनिए, मेरी अपनी पर्सनल ये इस पे ये टिप्पणी है कि राम मंदिर तो वहाँ पे था ही, राम मंदिर का जीवन उद्धार हुआ है, राम मंदिर तो वहाँ था ही। आप बोलते राम मंदिर कैसे हमारी मदों से जीता है, हम लोगों ने राम मंदिर का केस जिताया है। राम मंदिर आप बोलिए कि हमने कुछ नहीं किया। राम मंदिर का जो मामला है हिंदुस्तान के प्रत्येक हिंदू, जो हिंदू मानसिकता का जो व्यक्ति है उसकी पूरी ताकत लगी है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो कार्य हुआ है, इस बात का मुझे मतलब रिबन ये काटेंगे, एम्पायर आप खड़ा करेंगे। ये राम भगत है ना, इसी जागती गंगा जी, जमुना, नर्मदा, कावेरी, अरे इनके आप ध्यान कर दो, अदो रुपए खा के गंगा के नाम पर। शिविर जा रही है उसके अंदर, गंगा जी के अंदर शिविर क्या जा रही है? लैट्रिन पानी, और वहाँ बैठ करके लोग बाल लोटा लेकर के लैट्रिन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का किस्सा सुन लो, ये भाई साहब कह रहे हैं ना ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ पर दुकान थी हमारी, देखा नहीं आएंगे, नहीं यहीं से लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से श्री कुलदीप सिंह जस्टिस और सागिर अहमद के, जब तक इनको विकल्प ना दिया जाए, जब तक इनको ना हटाया जाए, परंतु 2010 का कुंभ संपन्न हो गया। हुआ क्या था कि हमने यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी की एक सभा कर दी, उसे 51,000 रुपए दे दिए, हमारे मंत्री जो थे उनकी गाड़ियाँ फंस गई, 2 बार मेरे घर में आए कि जोखलाल या तो BJP में आ जा। सरकार किसकी इस बार? सरकार उस समय निशंकी थी। 27 नवंबर 15 को अनिल दवे और आदर्श गोयल द्वारा ये फिर आदेश हुए 3 महीने में इनको जगह दी जाए। 6 साल हो गए हैं,
शहरी विकास मंत्री को, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, शहरी विकास मंत्री को ये नहीं दिखाई देता कि 150 आदमी 12 साल हो गए 150 आदमी कहाँ धक्के खा रहे हैं, तो उनके साथ 5-5 परिवार और थे, ये नहीं है, इनकी हाय जरूर लगेगी। 19 अगस्त 2010 में टूटा था ये, 19 अगस्त 2010 में टूटा, कुंभ मेला संपन्न हो गया था, भाई साहब जाओ तक मेरा तो ये कहना राम बिल बन गया, ये भी हनुमान चालीसा सुना है, मैं भी सुंदर कांड सुनाऊंगा, ये भी हनुमान चालीसा सुना है, मैं भी सुंदर कांड, शिव आवाज मैं भी पढ़ूंगा, ये भी पढ़ा। इस बार कांग्रेस की कितनी सरकार, कांग्रेस 70 में कितनी आएगी, कांग्रेस की सत्ता आएगी, कितना कितनी सीटें आ जाएगी, बहुमत है कांग्रेस का, कांग्रेस का बहुमत, भाजपा के पास अगर विकास का नारा होता, विकास के काम होते, विकास करा होता, तो अमित शाह को यहाँ आने की जरूरत ना पड़ी। अमित शाह को क्यों बुलाया गया, मोदी अमित शाह क्यों आ रहे हैं उत्तराखंड में? मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ, कल राहुल गांधी आ रहे हैं, उसके विषय में क्या कहेंगे? राहुल गांधी 20 साल यहाँ काम किया, उनको अमित शाह गृह मंत्री को बुलाना पड़ रहा है, जो काम ही नहीं करके गए, राहुल गांधी तो प्रचार कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, कर रहे हैं यहाँ का कर रहे हैं, जवाब दीजिए। सोच की बात है, इन भाई साहब को शायद ये नहीं पता, विकास की यदि बात करें, या तो ये कह दें कि हरिद्वार के अंदर समस्त जनता बेवकूफ है, समस्त जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय मदन कौशिक जी को प्यार करती है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो 4 बार से क्या क्या बोलना चाहिए, मदन कौशिक जी के विषय में प्यार करते हैं बोल रहे, क्या बोलेंगे संक्षेप में बोलिए जल्दी, मदन कौशिक जिंदाबाद, जो भी सवाल पर बता दो, मेरी उम्र 76 साल है, मैंने शराब का ठेका 15 किलोमीटर बादराबाद में था, 15 किलोमीटर रायवाले में था, जब से वो आपका नहीं मंत्री बने पहली बार, अब क्या है, आप फोन करो अभी आ जाएगी यही बउआ अड्डा खंबा सब आ जाए, यहाँ बहुत बहुत खंबा चल रहा है, नशा चल रहा है, क्या बोलेंगे नशा पर, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मेरे से बड़े हैं और हिंदू धर्म में बड़े हैं, क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए, यहाँ विचारों की बातें हैं, कोई आपसी लड़ाई थोड़ी है, आप तो गले मिल लेंगे, विचारों की बातें है, विचार रखिए अपने, कहा घर आ जाती थी, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि घर आ जाती थी, इन्हीं को पता है ये चीज इन्हीं को पता है, इन्होंने देखा होगा तब ने पता है, किसकाई होगी घर में, तो लिया नहीं होगा इन्होंने, आज हरिद्वार के अंदर मान्यवर हरिद्वार के अंदर सबसे ज्यादा शराब पकड़ी जा रही है, और उसकी सबसे बड़ी बात बताता हूँ, किसके 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 बताइए, पकड़ी गई सभासद के, देखिए सभासद राहुल के, बताइए, शराब पकड़ने से पहले, शराब पकड़ने से पहले हरिद्वार की पुलिस से पहले वहाँ कांग्रेस ही पहुँच जाते हैं, ये विषय सोचने का है, शराब की, अरे भैया बात बताइए, किसी के घर में है, किसी के, बोलिए बोलिए, पकड़वाने का दायित्व और ना पकड़वाने का दायित्व जो है वो जिसके पास है वो उसके पास है, जो बरामदगी हो रही है जिसके यहाँ से बरामद हो रही है भाजपा का ही नाम है, कनखल के अंदर रात आपके जैसे भाई चैनल के माध्यम से अभी भी फेसबुक पे चल रहा है, कनखल के अंदर धीर सिंह पवार जी के यहाँ कांग्रेसी पहुँचते हैं और वहाँ पे उनकी डेयरी है, डेयरी के पास भूसे का एक गोदाम बना हुआ है, वहाँ वो प्रयास करते हैं कि शराब रखवा दी, ना 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 ना, ऐसे कैसे रख देंगे, हम आपके घर में रख देंगे शराब, हम आपके घर में शराब रख देंगे, आपके दुकान में रख देंगे शराब, बोलिए 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 संजय जी, बोलिए आपके दुकान में रख देंगे, ऐसे कैसे रख देंगे भाई, चैनल थोड़ी ना समष्टीकरण देगा, क्यों नहीं रख देंगे बताइए, कैसे रख देंगे भाई, इतनी सारी दुकानें हैं, पूछ रहा हूँ, आप तो बिना परमिशन के तो यहाँ पर भी कुछ नहीं रख सकते, बताइए, जब वहाँ कांग्रेसी पहुँचे, पुलिस आई, भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ, कांग्रेसियों को ये मौका नहीं मिला रखने का, और जब वहाँ पुलिस और जो उनकी टीम होती है वो आई, उन्होंने चेक किया तो वहाँ से कुछ नहीं मिला, अगर कांग्रेसियों की खबर सच्ची थी, उन्होंने पुलिस को बुलाया था, तो फिर वहाँ शराब क्यों नहीं मिली, संक्षेप में बताइए, संक्षेप में बताइए अंकल, क्या बात हो गई, इन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ने की बात कही, हमने चला रखा है नशा मुक्त अभियान, दूध पियो, जलेबी खाओ, जलेबी खाओ, जला रखा है इसमें का, दूध पियो, जलेबी खाओ, प्रभु का नाम लो, अब मैं आपको बताऊं यहाँ की घटना, तत्काल में बताओ, तत्काल छोटे में बताइए, एक मिनट में, छोटे में बताऊंगा, एक मिनट में, यहाँ पर जो है कोई भी बच्चों से पूछ लो,
किस तरह से घूमती रहती है इस बार इनके। अच्छा चलिए रिक्शे खड़े हुए वहाँ पर बैठ करके रिक्शे वाले कोई भी वहाँ शराब पीते रहते हैं। अभी भी नाले में देख लो कितने पौवे। बहुत पौवे मिलेंगे। चुनावी माहौल गर्मी का माहौल। आरआरडी में बता रहा हूँ, रिंग रोड डिबेट में। अरे भैया हाँ बोलिए बोलिए, एक संक्षेप में बोलिए। ऐसा है, आने वाले समय में आने वाले भविष्य के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, उसके कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। अगर भाजपा ने काम करा है, विकास करा है, तो विकास का नारा लेके आगे बढ़े, अपने विकास की कारण प्रणाली पे आगे चल के वोट मांगे। कि अमित शाह बुला के, मोदी बुला के, योगी बुला के ये सब जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जब केंद्रीय मंत्री खुद कहता है कि ये सब जुमले हैं, विकास जो हम छोड़ते हैं, विकास का जुमला ये चुनाव के लिए हम यूज करते हैं, उसके बाद हम चुनाव भूल जाते हैं। आप इनसे एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो? एक छोटा सा सवाल देखिए संक्षेप में बताइएगा, जो मोदी जी प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं कि ये भारत के प्रधानमंत्री है? बीजेपी के कि भारत के प्रधानमंत्री? सोच के जवाब दीजिएगा। ये आरएसएस के प्रधानमंत्री बीजेपी के कार्यकर्ता और भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो क्यों बीजेपी का प्रचार करते हैं? क्यों भाई बीजेपी का प्रचार क्यों करते हैं? बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी का प्रचार क्यों नहीं करेगा? तो प्रधानमंत्री कहाँ के हैं मोदी जी बताइए? मोदी जी गुजरात के हैं। नहीं, प्रधानमंत्री भारत के हैं कि बीजेपी के कि आरएसएस के? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र। लेकिन बोलते हैं अब की बार मोदी सरकार तो मोदी की हुई ना। कांग्रेस हो बीजेपी हो, हम लोग एक पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, हम प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। देखिए कितनी मोहब्बत है दिलों के अंदर, देख सकते हैं आरआरडी के अंदर। आप सभी का स्वागत है। मैं चाहूंगा आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।